अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई मेरे साथ आज बैठे हुए हैं दोस्तों एक और कामयाबी के साथ। दोस्तों बल्गारिया का एक वीज़ा लग के आया, और बल्गारिया आपको पता है शंजन में जा चुका है। आज 31 मार्च है, और 31 मार्च से वो बाकायदा शंजन का पार्ट हो गया। और आज के दिन की उनकी न्यूज़ थी, उन्होंने शंजन वीज़ा भी इशू करने थे, 5-5 ईयर मल्टीपल एंट्री। लेकिन ये कुवैत से इन्होंने शुरू करने थे, लेकिन अब कल 1 अप्रैल है, तो बाकायदा इन्होंने शंजन वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ। तो मैं बताता चलूँ, क्या भाई को शंजन वीज़ा मिला, और यहाँ पे एक और अब बात आ जाएगी कि भाई का वीज़ा मिला लेकिन पासपोर्ट किधर है, और वीज़ा वगैरह। वीज़ा आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया होगा। तो दोस्तों जहाँ तक रही पासपोर्ट की बात, भाई मेरे पास आए थे तो पासपोर्ट नहीं लेकर आए, लेकिन पासपोर्ट के साथ भी वीडियो बनाऊँगा मैं बहुत जल्द। भाई कह रहे मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ मैं पासपोर्ट ले आऊँगा। मैंने कहा चले पासपोर्ट जब नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे अगेन हम आपकी वीडियो बना के बता देंगे कि भाई ये पासपोर्ट रहा। अच्छा अब इनको वीज़ा कौन सा इशू हुआ? इनको वीज़ा दोस्तों इशू बल्गारिया का ही हुआ, शंजन वीज़ा इशू नहीं हुआ। शंजन वीज़ा जो अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और इसके लिए जो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो भाई इसको बल्गारिया अम्बेसी ही डील करती थी पहले, और डायरेक्टली आपने अम्बेसी में जाना होता था, वहाँ पे जाके आपने इंटरव्यू देना होता था। इसका इंटरव्यू होता था 2-5 मिनट का इंटरव्यू लेते थे, जिसमें पूछते थे, पर्पस मेन होता था कि आपने क्यों बल्गारिया जाना है, कौन सी प्लेस आप विजिट करने वाले हो, आप वहाँ पे कितने दिन रहने वाले हो, बल्गारिया क्यों चूज़ की है, कौन कौन सी प्लेसेस ऐसी आपको अट्रैक्ट किए कि आपने बल्गारिया चूज़ कर लिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछ लेते हैं। रही बात के ट्रैवल हिस्ट्री के साथ या ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर, दोनों सूरतों में वो वीज़ा इशू करते हैं। ज़रूरी नहीं आपका ट्रैवल हिस्ट्री हो तब वीज़ा मिलेगा, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा देते हैं। लेकिन जिन बंदों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो कह सकते हैं सिंपल कि हम टूरिस्ट हैं वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, और जिन जो भाई बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई करें वो सिंपल ये कह सकते हैं कि जी हमने सर्च किया आपकी कंट्री के बारे में, बहुत अच्छा कंट्री लगा। इस तरीके से जो हम आपको बताते हैं वो आप कवर लेटर लेके जाके सबमिशन करवा सकते हो। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये अम्बेसी में उसी वक्त आपसे फीस ले लेंगे, फिंगरप्रिंट्स इनके अम्बेसी में ही होती है, उस वक्त आपकी पिक्चर लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और विद इन अ वीक ये आपको रिजल्ट दे देते हैं, और फ़ोन करके आपको बाकायदा बता दिया जाता है आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। और जहाँ तक भाई की बात है पासपोर्ट लाने की, वो इसकी वजह ये है कि सबसे पहले वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं कि भाई हमने आपका वीज़ा अप्रूव्ड कर दिया हुआ है, तो आप आके पासपोर्ट ले जाओ। तो भाई मेरे पास साहब मेरा वीज़ा लग गया, तो अब ये जाएंगे पासपोर्ट लेकर आएंगे, और फिर हमें हमारे साथ अगेन वीडियो बनेगी उनकी भाई की। अच्छा अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ, सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, पासपोर्ट पिक्चर NOC चाहिए होता है, क्लोजिंग बैलेंस 10-12 हज़ार रुपये अभी आपके अकाउंट में, मोर देन 5-7 थाउजेंड भी आपका अकाउंट हो मोर देन इनफ है। और इसकी बात करूँ बल्गारिया की, आगे शंजन का पार्ट बन गया हुआ, लेकिन जिन लोगों को बल्गारिया के वीज़ा इशू इन सिचुएशन में हो रहे हैं या पहले हो चुके हैं, वो उनको शंजन वीज़ा लेने में बहुत बेनिफिट होगा, उनको आसानी से वो आगे शंजन वीज़ा ले सकते हैं। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपको बल्गारिया का वीज़ा मिल गया, इसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं, शंजन का कोई भी वीज़ा ले सकते हैं। और रही बात आपकी, आप भी दोस्तों बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अपॉइंटमेंट की बात करता चलूँ तो अपॉइंटमेंट VFS के थ्रू भी आप इसकी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर, ख्याल रखें अपना, लेकर अल्लाह हाफिज़।